हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग और मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो जो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। तो मैं आपके साथ इस स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ गाइस, जिसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैन ले लेंगे और उसमें मैंने 4 कप पानी ऐड किया है। तो पानी में एक बॉयल आ चुका है, तो पानी को हम एक साइड रख देते हैं। तो एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्ट्रॉबेरी को हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो 3 से 4 बार इनको वॉश कर लेते हैं साफ पानी से। तो वॉश किया हुआ स्ट्रॉबेरी को एक प्लेट में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 5 से 6 स्ट्रॉबेरी को हम रफली चॉप कर लेंगे। तो इनको रफली चॉप कर लेते हैं सबसे पहले। एक कप मिल्क पाउडर लिया हुआ है और 1/2 कप मैं इसमें शुगर ऐड करने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें 4 कप बॉईल किया हुआ पानी ऐड कर देंगे और 1 कप मिल्क पाउडर जो हमने लिया हुआ है इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। 1/2 कप इसमें शुगर ऐड कर देंगे। रफली चॉप इसमें स्ट्रॉबेरी को भी ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को एक बार चर्न कर लेंगे। गाइस, ये मिल्क पाउडर की स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनकर तैयार होती है। और आपने देखा, इसको में कोई भी आपको घंटों दूध को पकाने की ज़रूरत नहीं है, घंटों मिल्क को कड़ाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। और सिंपली आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं गाइस, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं सभी चीज़ों को हमने चर्न कर लिया है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी ये बनकर तैयार हुआ। तो यहाँ पर इसको सेट करने के लिए आइसक्रीम मोल्ड लिए हुए हैं। आपके पास अगर इस तरीके के आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो सिंपली आप इसको ग्लास वगैरह में भी सेट करने के लिए छोड़ सकते हैं। तो जो हमने आइसक्रीम का बेस तैयार किया है इसको हम मोल्ड में पोर कर देंगे। तो सभी को फिल कर लेते हैं। तो इनको कवर कर देते हैं और इनको ओवरनाइट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारी आइसक्रीम सेट होता है तब तक इनको आपको फ्रीज़र में स्टोर करना होगा। तो इनको हम सिंपली कवर करते हुए फ्रीज़र में रख देते हैं। तो मैंने सभी आइसक्रीम को ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। तो इनको डीमोल्ट करने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम पानी लेंगे। तो सिंपली मैंने रूम टेम्परेचर पर ही पानी इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो इनको हल्का सा मोल्ट को पानी में हम इस तरीके से डिप करेंगे और इनको डीमोल्ट कर लेंगे। और आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा बढ़िया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। तो सेम तरीके से ही सभी को डीमोल्ट करते हुए हम इनको अरेंज कर लेंगे। और गाइस, यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा क्रीमी ये बनकर तैयार होती है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल आपकी ये आइसक्रीम बनकर तैयार होगी और फैमिली में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो सभी को हमने डीमोल्ट कर लिया है और देख सकते हैं कितने ज़्यादा, देखने में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और आपने देखा गाइस, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर हमारी तैयार हो गई है। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर हमारी तैयार हो गई है। आपने देखा गाइस, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।